गोरखपुर एयरपोर्ट। दोस्तों ये बड़ी प्यारी सी जगह है कुशीनगर गोरखपुर के पास, वहाँ पे ये अच्छा सा रिसॉर्ट जिसमें मैं ठहरा हुआ हूँ। मैं शूटिंग के लिए आया हूँ और सुबह सुबह मैं एक अच्छी हवा, स्वस्थ ऑक्सीजन, शुद्ध वायु लेने के लिए मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ। ये मेरा रूम है, ये कॉटेजेस हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, ये अलग अलग कॉटेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए वो कॉटेज, ऐसे तीन कॉटेजेस हैं, है ना, ये चौथा कॉटेज यहाँ पे है, वहाँ पे कुछ रूम्स हैं, इस तरह से बना हुआ है। बहुत प्यारा आलम है, बहुत खुला खुला, है ना। और ये मैं तो मॉर्निंग वॉक पे निकल रहा हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद। ये एंट्रेंस मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू। देखिए सर कितना प्यारे दूर से रास्ता चला रहा है, यहाँ पे बुद्ध भगवान का मेडिटेशन किया हुआ एक स्टैचू भी है अंदर कुशीनगर में, उसी के बाहर का इलाका देख रहा हूँ। ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेडिटेशन राजयोग मेडिटेशन केंद्र है, ये छोटा सा बना हुआ ये खूबसूरत सड़क। और देखिए खेत कितने प्यारे लग रहे हैं, ये दुर्लभ है वहाँ मुंबई शहर में, थोड़ा सा दूर ये ग्रीनरी है, मुंबई सिटी में ये नहीं मिलता है। और ये दिल को बड़ी खुशी देती है, दूर तक हरियाली ग्रीनरी, बहुत आनंद आता है, है ना। चलिए और ऐसे ही आपको कुछ दिखाता चलूँगा, धन्यवाद। दोस्तों ये लिखा है श्रीलंका बौद्ध मंदिर बुद्धा घाट, कितनी प्यारी स्टैचू बनी है। ये लिखा है दोस्तों कि विपश्यना मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना ध्यान केंद्र। देखिए ध्यान को कितना महत्व दिया गया है, यहाँ गोरखपुर के पास ही जगह है कुशीनगर, यहाँ पूरी जगह आपको बुद्धमय मिलेगी। देखो रामाभार स्तूप के उत्तर वनित अवशेष ये स्तूप बनाया गया, देखिए अंदर स्तूप है, देखिए ये बंद किया हुआ है अभी, लेकिन आप देखिए हर जगह को कितना महत्व दिया गया है, इसको ध्यान को। रामाभार स्तूप के उत्तर खनित अवशेष, एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ रामाभार स्तूपा, क्या बात।
मेरा तो दिन बन गया, मैं शूटिंग में कम आनंद ले पाऊँ शायद, यहाँ ज़्यादा ले रहा हूँ। बुद्ध का स्मारक स्थल है, बहुत प्यारी जगह मेडिटेशन के लिए। आहा, यहाँ एक अलग महक आ रही है, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ, आप तो सिर्फ इसको वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अलग तरह की सुगंध है इस वातावरण में, जो मन को बड़ी आनंदित कर रही है। वो देखिए सामने, वहाँ मैं पहले भी 2 साल पहले आया था, 2-3 साल पहले शायद, तो मैंने यहाँ के दर्शन किए थे। और ये खाना, आह, मन शांत हो गया, मन प्रसन्न हो गया प्रभु के। आह, इस स्तूप में लेटी हुई बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, जो मैं आपको वहीं से दिखाऊंगा पहुँचने के बाद। यहाँ के जो हैं लोग वो बता रहे हैं कि बुद्ध ने प्राण यहीं पे त्यागे थे, ठीक है, और रामाभार जो मैं आपको दिखाया था वहाँ पे उनको जलाया गया था, और यहाँ पे इनके कुछ अस्थियों के अवशेष हैं जो इस जगह पे हैं। कितनी बड़ी बात है, ओह मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ इसको ऐसा ही, मतलब मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ सोती हुई प्रतिमा है, मगर उसका उसके पीछे की कहानी मुझे आज पता चली है। तभी मैं सोचूं कि इस जगह में इतना ध्यान, इतनी समाधि, इतना आनंद क्यों है यहाँ पर। दोस्तों, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे मतलब ये दर्शन मिले, क्योंकि मैं ध्यान कई सालों से कर रहा हूँ, मैं कहीं पहुँचा उचा नहीं हूँ, सिर्फ आँखें बंद करके बैठ जाता हूँ, मुझे बिल्कुल उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वो शायद वो मेरी जो इतने दिन की का बैठना था, वो मुझे आज इस जगह पे ले आया, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु का कि मुझे ऐसे दर्शन प्राप्त हुए। मैं बहुत खुश हूँ, पुलकित हूँ, आनंदित हूँ अंदर से, और आपको अपने इस आनंद में मैं शामिल कर रहा हूँ। ज़रूर आइए, यहाँ कुशीनगर गोरखपुर के पास है, और पूरी ध्यानमय जगह है। जो ध्यान के प्रेमी हों, जो मेडिटेशन लवर हों, वो आके यहाँ आनंद प्राप्त करें। हाय फ्रेंड्स, मैं शूटिंग कर रहा हूँ एक फिल्म की, और ये देखिए, वैनिटी तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये कुछ इस तरह की व्यवस्था की है हमारे लिए प्रोड्यूसर साहब ने, तो ये वैन है जिसमें मेकअप वैन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, ये लखनऊ एयरपोर्ट है, प्लेस और मैं मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहा हूं वापस, शूटिंग पूरी हो चुकी है। प्यारा मौसम है यहाँ का, मौसम साफ है।